दोस्तों, आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में स्वागत है। 3 दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी अच्छाई के कारण जाने जाते हैं। वे अपने पूरे जीवन को लोगों की भलाई के लिए समर्पित कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो पूरे मानवीय सभ्यता को शर्मसार कर देते हैं, जो अपने बुरे कामों के लिए पहचाने जाते हैं। ऐसे ही मैं आज आपको दुनिया के एक ऐसे खूंखार रेपिस्ट, एक ऐसे बलात्कारी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में आज भी लोग सुनते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डैड बंडी, अर्थात जॉर्डे रॉबर्ट बंडी। यह अमेरिका का एक ऐसा कुख्यात सीरियल किलर था जिसने 1974 से 1978 के बीच लगभग 50 महिलाओं का कत्ल किया। दोस्तों, जॉर्डे रॉबर्ट बंडी का जन्म 24 नवंबर 1942 को वेलिंगटन, अमेरिका में हुआ था। दोस्तों, 24 नवंबर वर्ष 1946 को वेलिंगटन, यूएसए, अमेरिका में जन्मे जॉर्ज बंडी ने अमेरिका के इतिहास में अपना नाम डैड बंडी के नाम से दर्ज कराया। दरअसल यह एक ऐसा कुख्यात सीरियल किलर था जिसकी मानसिक विकृति खराब थी। यह एक रेपिस्ट था। दोस्तों, जॉर्ज बंडी ने बस 1974 से 1978 के बीच 50 महिलाओं का उनकी हत्या करने के बाद उनका बलात्कार किया। यह बात उसने पुलिस के द्वारा गिरफ्तार होने के बाद कबूली। दोस्तों, वह पुलिस महिलाओं की हत्या करने के बाद उनके साथ तब तक बलात्कार करता था जब तक उनका शरीर सड़ ना जाता। दोस्तों, ऐसे बलात्कारी का इस समाज में रहना बेहद दुष्कर बन गया था। पूरे अमेरिका को इसने दहशत में डाल दिया था। 16 अगस्त 1975 को यह पुलिस की पहली बार गिरफ्त में आया, लेकिन पुलिस द्वारा कोर्ट ले जाते हुए यह भाग निकला। एक बार और इसी तरह पुलिस की गिरफ्त से भागने के बाद यह तीसरी बार पुलिस की गिरफ्त से नहीं भाग सका और अंततः इसका अंत होना निश्चित हो गया। दोस्तों, 24 जनवरी 1989 को अमेरिका के कोर्ट का अंतिम फैसला आया और उस फैसले में रॉबर्ट बंडी को इलेक्ट्रिक शॉक देकर मारने की सज़ा सुनाई गई। दोस्तों, उसे बेरहमी से तड़पा तड़पा कर इलेक्ट्रिक शॉक देकर मारा गया। उस दिन अमेरिका में किसी आज़ादी के दिन से कम नहीं था। फटाके फोड़े गए, लोगों ने जश्न मनाया क्योंकि एक ऐसे अमानवीय मनुष्य का अंत हो चुका था जो पूरे मानव समाज के लिए खतरा और घृणा का रूप बन चुका था। जब पुलिस ने रॉबर्ट बंडी के घर की जांच तलाशी ली तो उन्हें 10 महिलाओं के कटे हुए सिर मिले। पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो चुके थे क्योंकि बंडी ने उन कटे हुए सिरों को सजा कर रखा था। तो दोस्तों, ऐसे मनुष्य हमारे समाज के लिए बेहद खतरनाक है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि बुराई भले ही कितना ही अच्छाई का चोला क्यों न पहन ले, वह कितना ही महानता वाला अपना रूप लोगों के क्यों न दिखा दे, लेकिन बुराई कभी भी अच्छाई नहीं बन सकती। इसी अच्छी की सोच के साथ आप सभी से अलविदा लेता हूँ। मैं विकास ठेकर, जय हिंद।